नमस्कार, आज हम आर्मेचर रिएक्शंस इन अल्टरनेटर्स, यानी कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि आर्मेचर या किसी भी सिंक्रोनस मशीन में दो तरह के फील्ड होते हैं। एक तो मेन फील्ड होता है जो कि रोटर पर होता है, जिसको कि अपन एक्साइटेशन फील्ड कहते हैं, जो कि ये रोटर MMF जनरेट करता है। दूसरा होता है आर्मेचर फील्ड, जो कि आर्मेचर करंट प्रोड्यूस, जो आर्मेचर करंट फ्लो होता है उसकी वजह से एस्टेब्लिश होता है, जिसको अपन आर्मेचर फील्ड कहते हैं। तो जो आर्मेचर फील्ड पर जो आर्मेचर फील्ड का जो इफेक्ट होता है, एन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट अपॉन द मेन फील्ड, इस टर्म है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करती है एक तो करंट और किस टाइप का पावर फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, अगर अपन एक यूनिटी पीएफ पर देखें तो यूनिटी पीएफ पर क्या है, ये जो ग्राफ है ये है आपका मेन फील्ड है, और ये जो ग्राफ है ये है आपका आर्मेचर फील्ड है। अब यहां पर ये आपका फेजर डायग्राम देखा गया, ये आपका मेन फील्ड है, इसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट हुआ इसमें ई, जिसको अपन नो लोड वोल्टेज बोलते हैं। अब चूंकि जो करंट है यूनिटी पावर फैक्टर का, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो उसका जो फेस होगा वो वोल्टेज के डायरेक्शन में होगा, और इस वोल्टेज चूंकि ये क्या आपका आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट से क्या होगा फाई है, आर्मेचर फील्ड जनरेट होगा। अब ये मेन फील्ड है और ये आर्मेचर फील्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका एक फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होगा एयर गैप में, और इसकी वजह से क्या होगा जो मेन फील्ड है आपका वो डिस्टॉर्टेड हो गया, यानी कि फाई एम लीड्स ई बाई फाइव बाई टू फाइव बाई टू, एंड तो इससे क्या होगा फाइज रिजल्टेंट ऑफ फाई एंड फाइव एम विच लैक्स बाई फाइव एम मेन फील्ड। द आर्मेचर फील्ड हियर टेंड्स टू डिस्टॉर्ट और क्रॉस मैग्नेटाइज द मेन फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आर्मेचर फील्ड है वो मेन फील्ड को क्रॉस मैग्नेटाइज कर देता है, यानी कि इससे क्या होगा जो ट्रेलिंग जो पोल्स के ट्रेलिंग एंड है वो तो क्या होगी स्ट्रेंथ, जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जो लीडिंग एंड है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। करने का मतलब यह है कि यूनिटी पीएफ पर अगर जनरेटर वर्क करते हैं तो जो मेन फील्ड वो आर्मेचर फील्ड की वजह से क्या हो जाता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसको अपन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। अब दूसरा है आपका, अगर करंट आपका जीरो पीएफ लैगिंग पे चल रहा है, यानी कि वो प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव है तो क्या होगा ये आपका मेन फील्ड होगा, और चूंकि इंडक्टिव है तो करंट क्या होगा आपका ये मेन फील्ड हो गया, ये आपका इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। चूंकि करंट आपका प्योर इंडक्टिव तो करंट लैग करेगा मेन इससे, इस वोल्टेज से जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, और इसी वजह से आपका इसमें क्या आएगा एक आर्मेचर फ्लक्स जनरेट होगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स जनरेट होगा, जो क्या करेगा मेन फील्ड इस डायरेक्शन में है, आर्मेचर फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर आर्मेचर फील्ड कम है मेन फील्ड से तो क्या होगा ये इसको जो टोटल जो फील्ड है जो टोटल जो फ्लक्स है आर्मेचर में या एयर में वो आपका फाई एम माइनस फाई हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इससे कम वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा ये आपका जो वोल्टेज है वो कम जनरेट होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है, ये आपका मेन फ्लक्स है, दोनों अपोजिट है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट आपका इस तरह से एक फील्ड बनेगा, रिजल्टेंट फील्ड बनेगा। इससे क्या होगा आपका मेन फील्ड है जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कम हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड कम हो से जनरेटेड वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है इसको डिमैग्नेटाइज कर रहा है मेन फील्ड को, ये आपका
जो फाई ए है ये इसको क्या कर रहा है, डिमैग्नेटाइज कर रहा है, यानी कि एयर गैप में जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसको ये कम कर रहा है। तीसरा है आपका जीरो पीएफ लीडिंग, जैसे कि आपका अगर प्योर कैपेसिटिव लोड हो, प्योर कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, ये आपका मेन फील्ड है, इसकी वजह से ई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, करंट क्या होगा, लीड करेगा 90 डिग्री, करंट लीड करेगा तो 90 डिग्री, तो फाई भी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगा, यानी कि आर्मेचर जो फ्लक्स है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। अब आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो टोटल जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, फाई ए प्लस फाई एम। जैसे कि यहां पे दिखाया गया है, ये आपका है मेन फील्ड है, ये आपका क्या है आर्मेचर फील्ड है या आर्मेचर फ्लक्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेन फील्ड है वो उसकी वैल्यू यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, नो लोड ईएमएफ है वो आपका वो ही बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि जीरो पीएफ लीडिंग पर मेन फील्ड आपका बढ़ गया, जैसे ही बढ़ा आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, जैसे इंक्रीज होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये क्या कर रहा है, इसको मैग्नेटाइज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो रहा कि मेन फील्ड को ये बढ़ा देगा। तो आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअल में करता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन इन दिस केस इज होली मैग्नेटाइज विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ टू कीप द वोल्टेज ऑफ जनरेटर ईएमएफ सेम, फील्ड एक्साइटेशन विल हैव टू बी रिड्यूस। इस जब क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ये अच्छा ये सही नहीं है, कि तो क्या क्या होगा, आपके इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके इससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपके जलने के चांस हैं। तो इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को मेन फील्ड को कंट्रोल करना। अब ये तो रही बात आपकी जीरो लीडिंग या जीरो लैगिंग या यूनिटी। अगर बीच में हो आपका जैसे 0.8 PF लैग हो, 0.8 PF लीड हो, तो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज है तो क्या होगा, पार्शली डिस्टॉर्टिंग होगा या पार्शली वीकिंग होगा या डिमैग्नेटाइज होगा या पार्टली स्ट्रेंथ होगा फॉर कैपेसिटेंट होगा। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट होगा। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये मेन जो आर्मेचर फ्लक्स है या जो का मेन फील्ड पर क्या फर्क पड़ता है, अब वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटर, इस पे क्या हो। तो इसके लिए अपन ये मानते हैं कि ईटी ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मेन फील्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मेन फील्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द आर्मेचर फ्लक्स, ये तो मेन फ्लक्स, ये आर्मेचर फ्लक्स जिसको कि अपन जो कि आर्मेचर रिएक्शन से जनरेट होता है, इज द नेट इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसको जो ईटी और ईए का वेक्टर सम होगा। तो नेट जो वोल्टेज है आपका नेट नो लोड वोल्टेज क्या होगा, ईटी प्लस ईए वेक्टर सम होगा। जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, इसमें देखो यहां पर क्या है, ईए के फेजर डायग्राम है, एट नो लोड जब आपका कोई भी लोड नहीं है तो आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया। आई इक्वल टू जीरो होते क्या होगा, जो फाई ए है वो जीरो हो जाएगा, फाई ए जीरो होते क्या होगा, ई ए क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो यहां पर देखो ये फाई है, फाई एम है मेन फ्लक्स है, ये आपका ई टी है वोल्टेज ड्यू टू मेन फ्लक्स, चूंकि ई ए जीरो है, इसमें ई ए क्या है आपका जीरो है, तो जो नेट वोल्टेज होगा, नेट इंड्यूस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन ये जो आई टी ई टी है इसको आइडियल मशीन का वोल्टेज बोलते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का आर्मेचर रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं आइडियल वोल्टेज। उस केस में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आइडियल वोल्टेज जनरेट होगा। अब दूसरे केस में देखो यहां पर क्या है, जीरो लैगिंग है, जीरो लैगिंग में क्या हो रहा है, देखो ये फाई एम, ये फाई एम, ये क्या है आपका ईटी, यानी कि आइडियल मशीन का वोल्टेज है। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, जो
करंट है आपका इससे लैग कर रहा है 90 डिग्री। इसकी वजह से क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा EA जो कि इस करंट से लैग करेगा 90 डिग्री, क्योंकि EA इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं अपन आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है IXA। यहां पर एक एक्स से एक रिएक्टिव इंपीडेंस है जो जिसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये क्या करता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें, और वो किसके अपोजिट होगा, जो आइडियल मशीन है उसके वोल्टेज के अपोजिट होगा EA। नेट वोल्टेज क्या होगा, इसमें से इसको घटा दें माइनस आइए तो ये क्या जाएगा, ये आपका नेट वोल्टेज होगा, दिस इज द नेट वोल्टेज, नेट इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये नेट इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। तो इसका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या करते हैं, एक वोल्टेज ड्रॉप करती है, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और वो वोल्टेज ड्रॉप किसमें होता है आपका आर्मेचर रिएक्ट आर्मेचर रिएक्टेंस में एक्स, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि मशीन के अंदर एक रिएक्टेंस लगा हुआ है, जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अगर ये लैगिंग है तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, अगर लीडिंग है तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। जैसे तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में हो क्या हो रहा है, यहां पर ये फाइव एम है, ये ईटी है, यानी कि वोल्टेज ड्यू टू आइडियल मशीन। अब इसमें क्या हुआ, ये करंट लीड कर रहा 90 डिग्री, यानी कैपेसिटी इसे लीड करेगा, तो फाइव ए करंट डायरेक्शन में होगा। अब फाइव ए करंट डायरेक्शन में होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज इंड्यूज होगा इस फाइव ए की वजह से, वो भी जो आइडियल मशीन है उसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेटर उसी की डायरेक्शन में होगा, ये ई ए इक्वल टू आई एक्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आई एक्स क्या आपका आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्टेंस है, और ये यहां पर क्या पैसा होगा कैपेसिटिव होगा। तो नेट ई एम एफ कितना हो जाएगा इसमें, ई टी में क्या करेंगे अपन ई ए को ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा ई ए, यानी कि जो रियल मशीन का जो वोल्टेज है वो क्या होगा आपका ई होगा। तो आइडियल मशीन इसमें वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ऐड किया तो ये क्या आएगा नेट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा इसमें। अब हम इन्हीं की बेस के ऊपर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, अल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या आपका एक आइडियल मशीन है जिसमें किसी भी तरह के लॉस नहीं है, ना तो कोई भी आपका इसमें रिएक्टेंस है ना आपका इसमें कोई रेजिस्टेंस है। तो यहां पर ये अपन ने एक रिएक्टेंस इंड्यूस कर लिया एक्स ए, जो कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी वजह से वो कंपोनेंट एक्स ए। एक है एक्स है जिसको अपन लीकेज रिएक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेन फ्लक्स है सारा का सारा आर्मेचर से रिएक्ट नहीं होता, कुछ फ्लक्स क्या होता है जो मेन फ्लक्स का वो एयर के थ्रू ही बाईपास हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो भी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसको बोलते हैं अपन लीकेज रिएक्टेंस। क्योंकि आर्मेचर में क्या होता है आपका बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होता है उनमें क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से भी ड्रॉप होगा। तो यहां पर वोल्टेज क्या है ईटी, ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड आइडियल मशीन का वोल्टेज। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप, जब इसमें से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जैसे करंट फ्लो होगा तो ये नेट वोल्टेज जनरेट होगा, इसकी वजह से फिर लीकेज की वजह से क्या होगा तो ये लीकेज रिएक्शन, और रेजिस्टेंस में जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये कहलाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें एक्स ए प्लस एक्स एल, चूंकि एक्स एल की वैल्यू बहुत कम होती है एक्स ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो अपन जनरली क्या करते हैं एक्स ए को एक्सएल को एक्सएल एक्स ए के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन अपन यहां क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स एस। इसको क्या बोलते हैं अपन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, मशीन का क्या कहते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये क्या आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये एक आइडियल मशीन है, टर्मिनल वोल्टेज आइडियल मशीन का, और इन दोनों को अगर अपन सम कर दें दैट इज कॉल्ड जेड एस, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस। तो यहां पे देखो क्या है, जैसे डायग्राम देखा है ईए इक्वल टू आई एक्स ए ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ई एल इक्वल टू आई एक्स एल ड्यू टू लीकेज फ्लक्स विच डू नॉट लिंक विद आर्मेचर,
ER equal to resistive voltage drop due to armature resistance. अब यहां पर देखो इसको ET प्लस अगर करंट इसमें I फ्लो हो रहा है तो ET माइनस IAX है माइनस IX है माइनस IR ये क्या कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा जैसे X है XL प्लस X है X है सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहलाएगा और ये ZS इक्वल टू R प्लस J XS इसको कहते हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस। अब इसी से अपन इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अल्टरनेटर का। तो जैसे कि ये है टर्मिनल वोल्टेज जिसको कि अपन रेफरेंस मान सकते हैं, ये आपका करंट है जो कि फाई से लैग कर रहा है, तो करंट इसी डायरेक्शन में तो फाई भी इसी डायरेक्शन में होगा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा एक वोल्टेज जनरेट होगा आई एक्स एस जिसमें ये आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज रिएक्शन की वजह से ड्रॉप होगा और जो आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वो करंट के डायरेक्शन में होता है तो ये क्या होगा आई ए आर और ये जो ड्रॉप है ये इससे 90 डिग्री पर होगा ये आई ए एक्स एस इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आई जेड एस। ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड वोल्ट नो लोड वोल्टेज दिस इज कॉल्ड नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज कहलाता है नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब देखो इसमें देखो ये जो मेन फील्ड है जो मेन फ्लक्स है इसके 90 डिग्री होता है हमेशा ये तो जो फाई एम है वो इस डायरेक्शन में तो ये क्या है इंडक्ट ये अल्टरनेटर का फेजर डायग्राम है एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको और डिटेल में आप किस बुक से देखना पड़ेगा आपको। थैंक यू।